पैसा जितना खूबसूरत होता है उतना ही मुश्किल और थोड़ा टाइम टेकन होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करें ऐसे नन्हे शहजादियों और शहजादों की जिन्होंने हमारी सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा की हैं। वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं और क्या हैं, चलें जिस पर बात करते हैं। तो चलो जी वीडियो को शुरू करते हैं। इकरा अज़ीज़ खुद भी इतनी छोटी सी थी कि इनके हाथ एक छोटे से शहजादे की पैदाइश हुई जिसका नाम इन्होंने कबीर रखा। कबीर ने तो अपनी मम्मी को कुछ ज़्यादा ही मसरूफ कर दिया है। इनके मद्दा इनको देखने के लिए बहुत ही बेताब है। तो इकरा हमें कब स्क्रीन पर नजर आएंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से ऐमन खान, ऐमन के हाथ 2 साल पहले जब अमल की पैदाइश हुई तो ऐमन अभी तक हमें ड्रामे की किसी भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आई। हाँ, आयजा खान 2 बच्चों की मम्मी होने के साथ साथ बहुत सारे ड्रामेस और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नज़र आती रहती हैं। अब एलियाना पैदा हुई है सारा और फलक के यहाँ। ये छोटी सी शहजादी तो भी बहुत ही छोटी है, इसलिए हम सारा को भी फोर्स नहीं करेंगे कि वो ड्रामा से किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। फिर हम बात कर रहे हैं ऐसी सेलिब्रिटीज की जो शादी के बाद तो हमें कुछ प्रोजेक्ट्स में नजर आए। इकरा अज़ीज़ का बिल्कुल रिसेंटली ड्रामा नहीं चल रहा है, लेकिन ऐमन जो है वो अपनी बेटी की पैदाइश के बाद बिल्कुल भी नहीं नजर आए। दोनों अदाकार हैं जो हमें किसी न किसी प्रमोशंस करते हुए नजर आती रहती हैं, लेकिन बीवी की स्क्रीन पर अभी तक नहीं नजर आई। ऐमन खान के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब किसी प्रोजेक्ट को स्थापित करेगी, लेकिन इकरा अज़ीज़ का क्या कहना है अपनी फैमिली से नहीं रख देंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। इकरा अज़ीज़ का कहना था कि चाहे आपको 9 to 5 जॉब करें या आपका ताल्लुक शोबिज़ से है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फैमिली होनी चाहिए। उनके बाद उनके 100% करेक्ट है। इसीलिए तो ये अदाकार हैं शादी होने के बाद अपनी फैमिली को एज वेल एज बच्चे होने के बाद उन्हें अपनी फैमिली को फुल टाइम देती हैं। जैसे कि अमल जो है वो अभी 2.5 साल की होने वाली है और ऐमन जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही टीवी पर, जो कि ये बात इनकी बिल्कुल ज़बरदस्त है। अपनी बेटी को देख कर फुल